एक बार आ जाओ आकर के मेरी लाज को।
प्रभु को याद करती हैं और यही कहती हैं, प्रभु मेरी आकर के लाल बचा लो, आकर के मुझे दर्शन दे दो। प्रभु हुआ क्या है अब तो प्रिय बंधु, जैसे ही आठवीं गर्भ की बारी आती है तो एक दिन की बात है, वसुदेव और देवकी सो रहे थे और रात्रि के ठीक 4 बजे आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी की आवाज जब देवकी के कानों में धुन सुनाई देती है प्रिय बंधु, और भगवान को देवकी वसुदेव स्वप्न में देखते हैं तो सोते हुए जाग जाती है और वसुदेव जी से कहने लगती है, प्रीतम ये जो अभी आवाज आ रही थी क्या तुमने सुना है? वसुदेव जी कहने लगे हैं, सुनो प्रिय आवाज को तो मैंने भी सुना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो आवाज किधर से और कहां से आ रही थी। और सपने के बाद जब देवकी स्वप्न में भगवान को अपने पुत्र में भगवान पुरुषोत्तम जैसे लक्षणों को देखती हैं, स्वरूप को देखती हैं, गदा शंख चक्रधारी को देखती हैं, तो पहले तो देवकर खुश हो जाती हैं और जब भैया मंदिर से याद करती हैं तो रोने लगती हैं। लेकिन यही पर हमें और आपको विचार करना चाहिए कि देवकी रोती क्यों है और देवकी हंसती क्यों है। प्रिय भाइयों, देवकी जब अपने पुत्र में पुरुषोत्तम राम जैसे विष्णु भगवान जैसे लक्षणों को देखती हैं, सुंदरता को देखती हैं, स्वरूप को देखती हैं तो खुश हो जाती हैं और जब जब भैया कंस की याद आती है तो रोने लगती है। उसी समय कहने लगती है, प्रभु ये अपना अलौकिक रूप छुपा लो, कहीं भैया कंस ने जान लिया तो जीता हुआ नहीं छोड़ेगा, इसलिए इस अपनी अलौकिक सुंदरता को अवश्य छुपा लीजिए। उसी समय में वसुदेव जी को बताया है, बार बार कहती हूँ नाथ आवाज हमने भी सुनी है और आवाज हमने भी सुनी है, आवाज कहाँ से आ रही है लेकिन प्रभु ये तो आकाशवाणी होती है क्या? सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है प्रिय बंधु? उसी समय वसुदेव जी कहते हैं, आवाज तो प्यारी मैं भी सुनता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है ये आवाज किधर से आ रही है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परिचय सुनो, भादो का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, तिथि आठ है, रात्रि के ठीक 12 बजे है, आज किस प्रकार से भगवान
मैया देवकी के उधर से आकर के प्रकट हो जाती है। हुआ क्या है? इधर रोड़ी नवजोत है जिस आटा है, रात्रि के ठीक 12 बजे है। प्रिय बंधुओं, इधर भगवान विष्णु मैया देवकी के उधर से प्रकट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या हुआ है? सभी पशु पक्षी अप्सराएं भगवान के इधर दर्शन के लिए बड़ी खुशियां मनाती हैं। पुष्पों की बारिश होती है, गीत भजनों को गा रही है। हुआ क्या है? जब सभी भगवान के दर्शन को व्याकुल होने लगते हैं, इधर देवकी जी जब अपने पुत्र को देखती हैं, आंखें खोलती हैं, तो आज रोने लगी और रोकर के बच्चे जी से बोली है, सुनो प्रीतम, अभी तक जो भी संतान होती गई उसे भैया मारता गया है, लेकिन ये मेरी अंतिम संतान है, इसे किसी तरह से बचा लो। बसदेव जी कहने लगे, प्यारी, अरे मेरे हाथों में हथकड़ी है और पैरों में बेड़ी है, भला मैं पुत्र को कैसे बचा सकता हूँ? देखा है कैसे? Thank you.
वसुदेव जी गोकुल में कन्हैया को किस प्रकार से लेकर जाते हैं,